नमस्कार दोस्तों, चैनल हिमाचली रसोई में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमारी, आज हम बना रहे हैं गोभी के पकौड़े, जो बहुत टेस्टी बनते हैं, चटपटे चटनी के साथ खाए जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते बनाते हैं। गोभी का फूल ले लिए हैं और ये कटोरी बेसन के लिए है और कड़ी पत्ता लिए है। सबसे पहले ये गोभी के फूल को हम काट लेते हैं, जैसे ये फूल ही लेंगे हम, पत्तों को सारा को हटा देंगे। ऐसे ही साबुत साफ फूल रखेंगे। बहुत बारीक नहीं करेंगे। गोभी को मैंने काट लिया है, आप अपने हिसाब से पीस कर सकते हैं, बड़े छोटे जैसा भी आपको ठीक समझे, लेकिन थोड़ा छोटा होने से ऐसा ठीक से पक जाती है गोभी। अभी बेसन को जो है छान लेते हैं। ये छन गया है, इसमें कोई ज्यादा नहीं निकला। इसमें एक चम्मच जो है नमक डाल देते हैं, और ये धनिया पाउडर है एक चम्मच इसका, इसको मिला देते हैं ठीक से। नमक तो स्वाद के अनुसार ही बढ़ता है, देख लेंगे बाद में अगर जरूरत पड़ेगी और डाल देंगे। ये हरी मिर्ची मैंने काट के ली है, इसको डाल रही हूँ, और ये धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता जो है ये भी डाल रहे हैं। ठीक से मिला देते हैं। और यहाँ पर मैं फूड कलर डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा कलर आता है इसलिए मैं यही डाल रही हूँ। हलवाई लोग भी इसे ही डालते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आप घोल बना लेंगे। अच्छा सा घोल बन गया है। अब इसमें जो गोभी है उसको भी डालेंगे। अच्छे से लपेट देंगे गोभी को। ये लिपट चुकी है ठीक से, चिपक चुका है इसमें बेसन। अभी इसको जो है 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, अगर आपके पास समय है तो घंटा आधा घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, तभी अच्छा बनेगा। 10-15 मिनट हो चुके हैं, ये फूल चुका है। अभी यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, खाने का जो सोडा होता है उसको ठीक से मिला लेंगे। और कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, अभी उसमें डालेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, अभी थोड़ा थोड़ा करके हम इसके चमचे के सहारे से डालेंगे, आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। ठीक से करारे कर लेंगे ताकि अंदर से गोभी ठीक से पक जाए। निकाल लेते हैं, अभी हो चुके हैं। और उनको भी ऐसे ही बना लेंगे।
हो चुके हैं, अभी निकाल लेते हैं। तेल ठीक से निकाल लेंगे इसमें से। पकौड़े बन चुके हैं, अभी चटनी बना लेते हैं। ये धनिया पत्ता है, इसको मैं मिक्सी में डाल रही हूँ। इसमें डाल देंगे 2-4 लहसुन की कलियाँ और 1 प्याज और 1-2 हरी मिर्चें, 3 हरी मिर्चें डाल दी मैंने। अब डाल देते हैं इसमें नमक और ये देगी मिर्च, ये भुना हुआ पीसा हुआ आधा चम्मच जीरा और 2 चम्मच जो है चीनी के, ये सब हम पीस लेंगे। ये पीस लिया है, अभी इसमें डाल देते हैं। ये इमली है मैंने भिगोने के लिए डाली थी, अभी इसको मसल कर इसका जूस निकाल लिया, इसको भी डाल देते हैं। ये मिला दी है, खट्टी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी मैं शक्कर डाल रही हूँ। आप जो है अपने स्वाद के अनुसार बना सकते हैं, जैसे ज़्यादा खट्टा खाना चाहें तो मीठा जो है थोड़ा कम डालें। ये हो गई हमारी इमली की चटनी तैयार। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये बन गए हमारे गोभी के पकौड़े। गोभी के पकौड़े को बनाने के लिए जो गोभी है हमें बिल्कुल ताज़ी लेनी है और उसको बारीक काटना है, लंबी पतली, जिससे यो ठीक से पकौड़े बनते बार पक भी जाए, कच्ची ना हम बचे। ये देखिए मैंने पतली पतली काटी थी, अभी मैं तोड़ के बता रही हूँ कितने नरम पकौड़े बने हमारे, और गोभी भी पूरी पक चुकी है और बहुत टेस्टी बने हैं हमारे गोभी के पकौड़े। आपने है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिले। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।